गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस योर थर्ड यूनिट, दैट इज द मैग्नेट, दैट इज द मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर? इस चैप्टर के अंदर हम काफी कुछ पढ़ने वाले हैं। जिस प्रकार से हमने गॉस थ्योरम पढ़ी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, ऐसे ही हम गॉस थ्योरम एंड मैग्नेटिज्म के अंदर भी पढ़ेंगे कैसे आपका इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेट बनाता है, कहाँ कहाँ पर मैग्नेट की प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं। कुछ ऐसे आर्टिकल्स हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा जो यहाँ पर आएगा कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। अगर हमसे कोई पूछे व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड, पता है सभी को? ये तो आपको पता होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब इट इज अ स्पेस अराउंड अ करंट कैरिंग वायर, इट इज अ स्पेस अराउंड अ करंट कैरिंग वायर और अ मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक फील्ड भी कैन बी रियलाइज्ड। यानी एक वायर के चारों तरफ का एक रीजन जिसके अंदर अगर हम मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन को फेस करते हैं तो हम बोलते हैं उस रीजन को मैग्नेटिक उसका फील्ड। क्लियर? अब इसमें जो हमारे पास आ रहा है, हमने जो पढ़ना है इसमें ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। पहला क्या आएगा आपका इस चैप्टर के अंदर जो स्टार्टिंग हो रही है आपकी, वो किससे हो रही है? ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, ऑर्स्टेड, ओ आर एस टी ई डी। ये क्या नाम था? एक्सपेरिमेंट था। किसका नाम था ये? ऑर्स्टेड। किसका नाम था? एक्सपेरिमेंट। किसने किया था ये? ऑर्स्टेड साइंटिस्ट ने किया था। उसके नाम पे बन जाएगा आपका ऑर्स्टेड, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। क्लियर? क्या किया था इसको समझेंगे। ऑर्स्टेड ने क्या किया था? ऑर्स्टेड ने क्या किया बेसिकली, इसको कहानी की तरह समझेंगे, बड़ा आसान सा है। ऑर्स्टेड ने क्या किया, एक वायर ली, करंट कैरिंग वायर, यानी एक वायर ली, आप ये कह सकते हैं एक वायर को उसने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से। क्लियर? तो आपको पता है कि जब भी हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली उसमें करंट क्या होगा, पास करेगा। करंट जब पास करेगा तो उसने उसके नीचे एक मैग्नेटिक नीडल रख ली। क्लियर? वायर के नीचे। तो जैसे ही की को ऑन किया तो ऑर्स्टेड ने क्या पाया, ऑर्स्टेड ने पाया कि जो आपकी मैग्नेटिक जो निडल है या मैग्नेटिक कंपास जो है वो डिफ्लेक्ट हो रही है। अब आप सोचिए कि कोई भी चीज डिफ्लेक्ट क्यों होगी, क्योंकि उसके ऊपर क्या लगेगी, कोई फोर्स लगेगी। तो जैसे ही हम की को ऑन करते हैं तो करंट ऑन होना स्टार्ट, करंट ऑन हुआ, करंट जाना स्टार्ट करेगा वायर में, और जब करंट वायर में जाएगा तो उसकी वजह से वो वायर जो आपकी निडल है वो डिफ्लेक्ट हो रही है। व्हाट डज इट मीन बेसिकली, कि इसका मतलब उस वायर के अंदर भी कुछ ऐसा फिनोमिना हुआ जिसकी वजह से इस पे फोर्स लगी। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, ऐसा क्या हुआ उसके अंदर कि उससे आपकी मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट हुई, इट मीन्स वहां पर भी एक मैग्नेटिक फील्ड बना। ठीक, तभी होगा ना, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा या नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा, दोनों ही कंडीशन में एक फोर्स लगेगा। क्लियर है चीज, दोनों ही कंडीशन में एक फोर्स लगेगा। तो उसको समझना है हमने, देखेंगे डायग्रामेटिकली समझेंगे इस चीज को। थोड़ा मैं इसको रब कर रहा हूं, छोटा लिखूंगा ताकि आपको समझ में आए। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट है, ध्यान दीजिएगा क्या नाम है, ऑर्स्टेड। ऑर्स्टेड की स्पेलिंग क्या है, ओ आर एस टी ई डी, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। क्या किया इसने, इसने क्या किया, एक वायर ली, ध्यान से देखिएगा एक वायर, ये हमने वायर दिखा दी, थोड़ी सी ठीक दिखा रहा हूं मैं आपको, ये वायर ले ली, इस वायर का नाम हमने क्या ले लिया, ए बी। क्लियर है जी, ये क्या दी हमने, एक वायर, कॉपर की कोई भी वायर ले ली, कॉपर की वायर लेके हमने क्या किया, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। लीजिए एक बैटरी बना दी हमने, यहां पर बैटरी से कनेक्ट किया, और कनेक्ट करने के बाद हमारे पास बैटरी से कनेक्ट करना है हमें इसको, और उसके साथ क्या लगाना पड़ेगा हमने, रियोस्टेट। ठीक है, क्या करेंगे, रियोस्टेट लगाएंगे। रियोस्टेट लगाने से क्या बेनिफिट होने वाला है बता सकता है कोई? करंट को हम क्या कर सकते हैं, ये ले लिया हमने की, करंट को हम क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, करंट को कम ज्यादा कर सकते हैं। क्लियर? अब यहां से हमारे पास ये हमने कनेक्ट कर दिया। क्लियर जी, अब आपको क्या करना है, यहां पर आपके पास एक मैग्नेटिक नीडल, मैंने ऐसे दिखा दी मैग्नेटिक नीडल, सपोज दिस इज दी मैग्नेटिक नीडल, और ये मैग्नेटिक नीडल का साउथ है और ये मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ है। क्लियर? ऐसा कब होगा, जब की कैसी है, ओपन है। इसका मतलब यहां पर करंट जो हमारा फ्लो करेगा वो कैसे फ्लो करेगा, आई लाइक दिस। कब, अभी करंट कितना है आपका, फिलहाल कितना करंट है आपका, जीरो। क्यों जीरो है, क्योंकि यहां पर हमने की ओपन नहीं की, यानी साइंटिस्ट ने ऐसा ही किया था। तो जब हमारा करंट जीरो है उस केस में हम ये कह रहे हैं कि यहां पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, आपकी मैग्नेटिक नीडल जो है वो वहीं की वहीं प्रेजेंट रहेगी। अब क्या किया हमने, हमने किया करंट को ऑन, कैसे ऑन होगा ध्यान से देखिएगा, करंट को कैसे ऑन करेंगे, यहां पर हमने
इसको ऑन किया की को, तो अब ये क्या हो जाएगा, दिस इज साउथ दिस इज नॉर्थ, क्लियर, दिस इज वेस्ट दिस इज ईस्ट। तो ये जो नीडल है आपकी ये कुछ ऐसे हो जाएगी, यानी डिफ्लेक्ट हो जाएगी वेस्ट की तरफ, नॉर्थ पोल जो नीडल का है वो किसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो साइंटिस्ट जो था, साइंटिस्ट को एकदम से आभास हुआ, एक तरफ उसके दिमाग में प्रोसीजर आया कि क्यों ऐसा हुआ, ये सुई डिफ्लेक्ट क्यों हुई। देखो अगर ये जो सुई है ये मैग्नेटिक नीडल है, किसकी बनी हुई है, मैग्नेट की तो बनी हुई है, एक छोटी सी नीडल जिस जो एक वर्टिकल एक्सिस के ऊपर खड़ी हुई है, यानी एक मैग्नेट की एक नीडल है जो एक वर्टिकल एक्सिस पे खड़ी हुई है, और ये ऐसे कर गई एकदम से, ठीक है, ऐसे टर्न किया इसने, क्यों टर्न किया, कुछ सोचिए आप, टर्न क्यों किया, टर्न इसलिए किया क्योंकि यहां पर भी एक मैग्नेट बना, इस मैग्नेट की वजह से क्या हुआ, अट्रैक्शन हुई, अट्रैक्शन होने की वजह से इसका नॉर्थ पोल कहां गया, वेस्ट की तरफ। तो साइंटिस्ट ने एक दिमाग में डाल लिया कि जहां करंट है वहां पर क्या बन रहा है, आपका मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मैंने बात किया मूविंग चार्ज के कारण ही ऐसा होगा, अगर चार्ज स्टैटिक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, लेकिन चार्ज अगर मोशन में होता है तो करंट प्रोड्यूस होता है, और जहां करंट होगा वहीं पर अभी आपका क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट दिस वन, ये चीज आपको क्लियर करनी है। अब बात ये आती है फिर दोबारा साइंटिस्ट के दिमाग में आया, क्योंकि देखो साइंटिस्ट क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो यहां पर फिर दोबारा इनके दिमाग में आया कि अगर मान लीजिए अगर करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दें, अगर करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दें, लेट अस सपोज आई हैव चेंज द डायरेक्शन, मैंने यहां नेगेटिव ले लिया, यहां पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव ले लिया, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ये हमने क्या कर दिया, ऐसे कर दिया, ये पॉजिटिव ले लिया, अब करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, लाइक दिस वन हो जाएगी। अब क्या होगा, ये जो प्रोसीजर था डिफ्लेक्शन वाला, ये कैसे हो जाएगा, लाइक दिस वन, ये ऐसे हो जाएगा, ये ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्लियर। ये डिफ्लेक्शन मोर प्रोनाउंस्ड होगी अगर करंट ज्यादा होगा, इसलिए मैंने यहां पर क्या यूज किया, रियोस्टेट, क्योंकि अगर मान लीजिए करंट बहुत कम है तो डिफ्लेक्शन तो होगी पर दैट इज नॉट विजिबल, क्लियर। कहीं पर बच्चे सोचते हैं कि पता नहीं क्यों रियोस्टेट लगा दिया, कुछ बुक में रियोस्टेट है ही नहीं, कुछ बुक्स में रियोस्टेट दे नहीं रखा, डायग्राम बना रखा, ठीक है, इट्स ओके, उन्होंने क्या किया वो गलत नहीं है, उन्होंने डायग्राम में रियोस्टेट नहीं दिया क्योंकि वो केवल और केवल जो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्वेशन दी थी उसको फॉलो अप कर रहे हैं। पर आपको ध्यान देना है कि अगर हमें डिफ्लेक्शन को ज्यादा देखना है तो करंट का अमाउंट भी ज्यादा होना चाहिए, एंड हाउ वी कैन वेरी द करंट, इट इज ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ योर रियोस्टेट, क्लियर, रियोस्टेट से आप करंट को वेरी कर सकते हैं। चलो ये बात क्लियर होती है। अब बात आई कि ये डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन जो है, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन कैसे दी जाएगी, मेन मुद्दा ये हो ना कि कैसे दी जाएगी, तो इसके लिए साइंटिस्ट ने एक स्पेशल रूल निकाला जिसको बोल दिया उसने एम्पियर स्विमिंग रूल, एम्पियर्स स्विमिंग रूल, आसान सा है, देखिए नाम है, कभी आप इसको करंट से मत जोड़ देना, एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, आप कभी ये सोचे कि एम्पियर करंट की बात कर रहे हैं, नो, तो एम्पियर स्विमिंग रूल है। एम्पियर स्विमिंग रूल के लिए मैं दोबारा से डायग्राम को चेंज कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में एक तरह से बिल्कुल सेट आ जाए ये चीज। अगेन मैं यहां पर पॉजिटिव लेता हूं, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, क्लियर, दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव, करंट की डायरेक्शन अगेन सेम आई आपकी। अब यहां से मैंने डॉटेड लिया, यानी ये डिफ्लेक्शन किस साइड आई, इस साइड, यहां पर क्या आपका, देखिए यहां पर क्या है आपका, वेस्ट, ठीक। एम्पियर स्विमिंग रूल बेसिकली क्या कह रहा था कि अगर कोई भी पर्सन तैर रहा है, स्विम कर रहा है, कौन से डायरेक्शन में, नॉर्थ टू साउथ, क्लियर, यानी एक आदमी, ध्यान से देखिएगा, ये आदमी मैंने दिखा दिया, क्लियर, जैसा कैसा मुझे बनाना आता है मैं बना रहा हूं, क्लियर, ये मैंने ऐसा डायग्राम दिखा दिया, दिस वन। अब ये जो आदमी है ये तैर रहा है, तो करंट आप देखिए कैसे तैर रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और करंट कैसे जा रहा है, फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी कह सकते हैं या साउथ टू नॉर्थ, तो मैं यहां पर क्या लिखता हूं, साउथ टू नॉर्थ, तो करंट कहां से एंट्री कर रहा है, करंट एंटर कर रहा है कहां से फील्ड से एंटर कर रहा है, और निकल कहां से रहा है, हेड से बाहर निकल रहा है, यानी एंट्री यहां से हो रही है और लीव कहां से कर रहा है, करंट कहां से कर रहा है, हेड से, और जो आपका हेड है ये आपका कौन सा हैंड है, देखिए ये अब मैं ऐसे तैर रहा हूं ऐसे करके, क्लियर, ये पानी के ऐसे कर रहा हूं और मेरा फेस बिल्कुल सामने की तरफ है, क्लियर। अब ये है हाथ जो मेरा है राइट हैंड है और इधर वाला क्या है, लेफ्ट हैंड, तो ये क्या आपका लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या हो जाएगी, राइट हैंड, क्लियर, मैं साइड की जगह लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड की बात कर रहा हूं, तो मेरा जो हेड है वो टर्न हो जाएगा टुवर्ड लेफ्ट हैंड, मेरा जो हेड है वो टर्न हो जाएगा
turns towards the left hand side. My mean to say, ये जो आपका ये corner है, ये arrow दिखा है, that is head. ये head कहाँ turn हो जाएगा? उधर. यानी मैं head को ऐसे कर दूँगा, तो कहाँ चला जाएगा? West की तरफ चला जाएगा. That is the MPS swimming. Clear हो रही? ये आपको direction देता है किस चीज की? Direction of the deflection. ठीक है? इसी तरह से एक नया रूल आया इसके साथ ही, बिल्कुल सिंपल, स्नो रूल. कैपिटल में लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, आपको ऐसे लिखना है, स्नो रूल. स्नो रूल बेसिकली क्या कहता है कि जो करंट है, ये दो वर्ड से बना आपका, देखिए यहां से ये चीज बनी है आपकी, इसका मतलब है करंट फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया. यानी एक वायर के अंदर जो करंट है आपका, वो कहां से कहां जा रहा है आपका? साउथ टू नॉर्थ जा रहा है. एंड साथ में क्या आएगा? ऑफ, यानी जो आपका नॉर्थ पोल एंड नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक निडल इज डिफ्लेक्टेड टूअर्ड वेस्ट. क्लियर? यानी सारा का सारा सिस्टम किस पे डिपेंड करता है? आपका किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्शन ऑफ द करंट डिपेंड करते हैं. और डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन जो है वो दो रूल से दी जा सकती है. कौन कौन से रूल है हमारे पास, वो ध्यान से देखिएगा. हमारे पास दो रूल कौन कौन से हैं? एमपीएस स्विमिंग रूल है, और उसी के साथ इसका एक कॉपी, या आप एक कह सकते हैं कि कॉपी पेस्ट इसका क्या है? स्नो रूल. ठीक है, नोट डाउन करेंगे फटाफट से इसको. बात आती है छोटी सी डेफिनेशन की, हालांकि वो डेफिनेशन हमें टेंथ में भी की है, पर अगेन आई एम रिपीटिंग दैट. मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली क्या है? एक स्पेस है, अभी मैंने डिक्लेयर भी किया था, अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर. करंट कैरिंग कंडक्टर कहते हैं, पर तो एक कंफ्यूजन होता है कि कौन सा कंडक्टर, किसकी बात कर रहे हैं. कोई भी वायर ले लीजिए जिसमें से करंट को हमने गुजार दिया, तो उसको हम कंडक्टर बोल देते हैं. यानी जिसमें से करंट पास करें, बेसिकली उसको हम क्या बोल देते हैं? कंडक्टर बोल देते हैं. तो हमने बोल दिया कि स्पेस है. स्पेस का मतलब एक वायर, मान लीजिए वायर ले ली, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहा है, या नीचे से ऊपर से नीचे जा रहा है. तो इसके चारों तरफ क्या बन जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा. कैसे पता चला? इसके चारों तरफ हमने क्या किया? आयरन फिलिंग को स्प्रिंकल कर दिया. टेंथ में पढ़े ना आपने, स्प्रिंकल किया तो खड़ी हो जाती हैं, कुछ तो खड़ी हो जाती हैं, कुछ नीचे बैठ जाती हैं, और यह हम ये कह सकते हैं कि कुछ अट्रैक्शन की तरफ होती है, क्योंकि इसके साथ ही चिपक जाती हैं. तो एक तरह से ऐसे हो गया, अगर करंट बहुत ज्यादा है तो, और वायर का रेजिस्टेंस बहुत कम है तो, ऐसा तब रियलाइज होगा, अदरवाइज डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होगा. क्लियर? ये ध्यान दीजिएगा. तो यहां पर हमारे पास क्या होगा? हम ये कह रहे हैं स्पेस है, इसके चारों तरफ एक स्पेस है, जिसके अंदर हम क्या फेस कर रहे हैं? अट्रैक्शन या रिपल्शन फेस कर रहे हैं. क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये एक मैग्नेट बन जाएगा अगर इसमें से करंट पास होगा. पेन की बात नहीं कर रहा, पेन को एक कंडक्टर एज्यूम कर रहा हूं. और एक मैग्नेट ले ली, उस मैग्नेट के चारों तरफ भी अगर आप आयरन फिलिंग गिरा दो, तब भी क्या होगा? वो आयरन फिलिंग अट्रैक्शन फेस करेंगी. अगर आयरन फिलिंग की जगह पे आप छोटे छोटे मैग्नेट गिराओगे, या तो वो अट्रैक्ट करेंगे या फिर वो रिपेल करेंगे. तो दोनों ही कंडीशन के अंदर वो क्या फेस कर रहे हैं? या तो अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन फेस कर रहे हैं. तो इसका मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट को वो रियलाइज कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं उस चीज को. तो उसको क्या बोल देंगे? मैग्नेटिक फील्ड बोल देंगे. क्लियर? और जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की, क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ का मतलब ताकत. उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. स्ट्रेंथ को क्या बोलेंगे हम? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन. क्या बोल देंगे? और मैग्नेटिक इंडक्शन नोट डाउन करेंगे. ये भी आपका स्टडी होती है इस चैप्टर में. दिस इज द आर्टिकल. आपको याद रखना है क्या है? फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज. यानी कोई चार्ज आपके पास है, वो मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसके ऊपर क्या फोर्स लगेगी? क्लियर? क्या डायरेक्शन होगी, क्या फोर्स है, क्या मैग्नीट्यूड है, उसके बारे में हम सीखेंगे. तो हमने यहां पर मान लिया कि लेट अस कंसीडर अ पॉजिटिव चार्ज. क्या माना हमने यहां पर? एक पॉजिटिव चार्ज मान लिया Q. ठीक, ये जो Q चार्ज है, ये मूव कर रहा है, मोस विद वेलोसिटी v
with velocity v placed in magnetic field. Placed in magnetic field B vector along x axis. Clear? Along x axis मान लिया मैंने. ठीक है, ध्यान से देखिए डायग्राम बना रहा हूं. मान लीजिए हमारे पास ये x axis है, ये हमारे पास y axis है. क्लियर? और यहां पर हमने क्या ले लिया, z axis ले लिया. तो यहां पर देखिए हमने क्या किया कि पॉजिटिव चार्ज आपके पास है, पॉजिटिव चार्ज जो कि मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v. ध्यान दीजिएगा विद वेलोसिटी v. कहां पर मूव कर रहा है, ये एक प्लेन में मूव कर रहा है. प्लेन कौन सा लिया मैंने, x और y प्लेन लिया है. और यहां पर आपका मैग्नेटिक फील्ड है, कहां पर, x एक्सिस पे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है. समझ गए, x एक्सिस पे क्या है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. और मान लीजिए यहां पर एंगल हमारे पास कितना है, थीटा. यानी जो आपका पार्टिकल था, जो चार्ज पार्टिकल था, प्लस q की वेलोसिटी इधर है. ठीक है, और थीटा एंगल बनाया उसने विद द मैग्नेटिक फील्ड. कौन से मैग्नेटिक फील्ड है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है. क्लियर? अब आप सोचिए क्या होगा. आपने अभी सीखा, किसने सीखा, आप सभी ने, किससे, कौन से रूल से, एम्पियर स्विमिंग रूल से सीखा आपने डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. और ऑरेस्टेड ने आपको यह सिखाया कि जहां पर करंट है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है. अब आप खुद सोचिए कि आपके पास मान लीजिए एक मैग्नेट ये है और एक मैग्नेट ये है, दो मैग्नेट है. जब इनको हम पास लेके आएंगे तो क्या क्या हो सकता है, बताइए आप क्या हो सकता है. या तो ये अट्रैक्ट करेंगे या फिर ये रिपेल करेंगे. दोनों ही अवस्थाओं में आप ये कह सकते हो कि फोर्स लगेगा. अब उस फोर्स का नेचर रिपल्सिव हो चाहे वो अट्रैक्टिव हो, उसकी तरफ हम नहीं जा रहे, लेकिन ये तो क्लियर है कि वहां पर एक फोर्स लगेगा. ठीक है, अब वो फोर्स कितना होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, 2 न्यूटन होगा, 3 न्यूटन होगा, वो कैसे कैलकुलेट होगा, वो डिपेंड करेगा वेरियस फैक्टर के ऊपर. तो उसी को पढ़ रहे हैं. यहां पर ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है जो कि अप्लाइड है, और ये आपका चार्ज पार्टिकल है जो कि मोशन में है. अगर मोशन में है तो यहां करंट भी बनेगा, और जहां करंट है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा. तो इसका मैग्नेटिक फील्ड और इसका मैग्नेटिक फील्ड जब इंटरेक्ट होगा आपस में तो यहां पर क्या बनेगा, कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा. तो उस फोर्स का जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा, ये सिर्फ एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया गया. आप मुझसे ये पूछेंगे कि सर ये है कैसे, नो इसकी बात आपको भूल जानी है, क्योंकि ये साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके अपने ढंग से उसने वेरीफाई किया है. काफी लॉन्ग प्रोसीजर है, बट आपके सिलेबस में क्या है, इस चीज को सिर्फ रिमेंबर कीजिएगा कि फोर्स, कुछ चीजें हम एक्सप्लेन भी करेंगे नो डाउट आपको समझ में आ जाएंगी. फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर. ये तो क्लियर है कि अगर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हुआ, नॉर्मल सी बात है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये मैग्नेट बहुत बड़ा हुआ जिससे हम बी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली फोर्स ज्यादा हुआ. जितना ज्यादा बड़ा मैग्नेट उतना ज्यादा रिपल्शन या उतनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी. तो ये तो चीज क्लियर हुई. सेकेंड जो है आपका चार्ज. चार्ज जितना ज्यादा होगा, यू नो वेरी वेल करंट क्या होता है आपका, चार्ज बाय टाइम. चार्ज ज्यादा होगा तो करंट भी ज्यादा होगा, जहां करंट ज्यादा होगा तो वहां मैग्नेट भी ज्यादा होगा. इट मींस फोर्स भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा. थर्ड चीज आ रही है आपकी, यहां पर इसके कंपोनेंट को देखिए आप. यहां पर ये वाला कंपोनेंट देखिए तो ये कंपोनेंट बनेगा आपका, क्या बनेगा, v cos थीटा, और ये बनेगा v sin थीटा. तो एक कंपोनेंट आएगा आपका यहां v sin थीटा. तो तीनों को अगर हम मिला दें, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, तो तीनों को मिलाएं तो हमारे पास क्या आएगा, f प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा. ठीक है ना, ये क्या चीज आएगी, क्यू वी बी साइन थीटा. ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आपको बात. ये क्या आपका मैग्नीट्यूड फॉर्म है जिससे आपको पता चलेगा फोर्स कितना लग सकता है. वो कैसे पता चलेगा, एंगल कितना है, बी कितना है, वी की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू कितनी है, तो डेफिनेटली एफ प्रोपोर्शनल आ जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा. प्रोपोर्शनल को हटा के साइंटिस्ट ने क्या लिया, F इज इक्वल टू K ले लिया, K क्यू वी बी साइन थीटा. ठीक है, और K की वैल्यू यहां पर इसने क्या ले ली, K की वैल्यू ले ली इसने साइंटिस्ट ने 1. तो हमारे पास आएगा F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा. इजी है ना, ये तो ज्यादा मुश्किल नहीं है. ठीक, अब बात आती है आपके पास F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा आया. अगर आपको वेक्टर प्रोडक्ट की याद हो, आपने किया काइनेमेटिक्स के अंदर, कि एफ देखो क्यों क्या आपका स्केलर है, यू नो वेरी वेल क्यों क्या आपका स्केलर है, तो इसको हम सोल्व करके ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, क्यू
और यहां पर आएगा वी क्रॉस बी, ध्यान से देखिएगा वी क्रॉस बी, क्यों लिखा वी क्रॉस बी, क्योंकि साइन थीटा आ गया ना इसके साथ, और वी क्या आपका वेक्टर है, बी क्या आपका वेक्टर है, साथ में साइन थीटा आया, इसका मतलब ये क्या बन सकता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट बन सकता है, ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए सबसे पहले तो आप करिए नोट डाउन। तो हमारे पास देखिए क्या बना, स्केलर फॉर्म की अगर बात करें बना क्यू वी बी साइन थीटा, ये क्या बन गया आपकी स्केलर फॉर्म, मैं लिख देता हूं एस एफ, वेक्टर फॉर्म क्या बनेगी आपके पास क्यू वी क्रॉस बी, ये क्या बनेगी आपकी वेक्टर फॉर्म, ठीक है, दो चीजें आ गई आपके पास स्केलर फॉर्म एज वेल एज वेक्टर फॉर्म। अब बात जब ये आती है कि जब स्केलर फॉर्म की बात आ गई और साथ में फिर हमने वेक्टर फॉर्म भी उसकी निकाल ली, तो वेक्टर का मतलब डायरेक्शन भी वहां पर होगी, तो इस फोर्स की डायरेक्शन कौन सा रूल देगा, फिर डायरेक्शन आ जाती है आपकी, उसके बाद क्या आ जाती है आपकी डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ एफ वेक्टर कौन देगा, ये देगा आपका स्क्रू रूल, कौन सा रूल, राइट हैंड थम रूल भी बोल सकते हो, राइट हैंड थम रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल, कौन कौन से रूल है आपके पास, राइट हैंड स्क्रू रूल फर्स्ट, दूसरा कौन सा है राइट हैंड थम रूल, राइट हैंड थम रूल, ठीक है, अब इसको करते हैं हम कैसे, देखिएगा ये रूल कब लगने हैं दोनों, जब थीटा क्या आपका एक्यूट है, थीटा क्या आपका वेरी स्मॉल है, ठीक है, एक्यूट ले लिया हमने, ये आपका प्लस था चार्ज, क्लियर, यहां पर आपका क्या था मैग्नेटिक फील्ड था, यहां पर क्या था आपका वी था, ठीक, अब क्या होगा ये एंगल क्या था आपका थीटा, ये वी और बी आपके मान लीजिए ग्राउंड पे हैं, ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया और ये आपकी वी होगी, क्लियर, या मैं इसको करके दिखा देता हूं कॉपी पे आपको नजर आ जाएगा, देखिए ये कॉपी ले ली हमने, थोड़ा सा तिरछा कर देता हूं, यहां पर मैंने लाइन ड्रा कर दी, ये वी हो जाएगा और यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, देख लिया, ये बी नजर आ रहा है आपको और ये बी नजर आ रहा है और ये इसके बीच में क्या है थीटा, ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूं वी क्रॉस बी है, वी क्रॉस बी, ठीक, वी क्रॉस बी है, तो आप देखिए करंट की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से इधर जा रहा है, यानी पॉजिटिव चार्ज इधर मूव जा रहा है, तो करंट कहां बनेगा आपका, देखा जाए तो इधर ही करंट बनेगा आपका, तो भूल जाइए करंट की तो बाद में देखेंगे इसको, यहां पर हमारे पास क्या होगा वी क्रॉस बी, वी से मान लीजिए आपको ये वी है, ये नजर आ रहा है वी, और स्क्रू रूल ले रहा हूं, वी से आपको कहां जाना है बी की तरफ, तो आप ऐसे करोगे ना वी से बी की तरफ, यानी ऐसे जाओगे, क्लियर, और जब आप ऐसे करोगे, ऐसे रोटेट करोगे बी, बी से बी की तरफ जाओगे तो कहां जाएगा ये पेन, ऊपर की तरफ, तो आपका फोर्स कहां पर होगा ऊपर की तरफ, क्लियर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड कंटेनिंग वी एंड बी, ठीक, ये चीज क्लियर होगी। अब क्या करते हैं हम नेगेटिव चार्ज के लिए लेते हैं, अगर मान लो नेगेटिव चार्ज होता है यहां पर, ये नेगेटिव चार्ज ले लिया और यहां पर ले लिया बी वेक्टर और यहां पर क्या ले लिया मैंने बी वेक्टर और ये ले लिया थीटा, उस केस में फोर्स कहां पर आएगा नीचे की तरफ, क्लियर, यानी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, यहां पर जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा क्यू वी क्रॉस बी, क्लियर, और यहां पर आंसर कितना आएगा माइनस क्यू वी क्रॉस बी, नोट डाउन करेंगे प्रॉपर से इसको। अब बात आती है आपके पास क्यू इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू वन, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, F is equal to 1 into B into sine of 90 degree, that is equal to B. तो यानी F किसके बराबर आया? B के बराबर आया. तो force जो है हमारा, magnetic field जो है, वो किसके बराबर आया? Magnetic field F के बराबर आया. और इसका मतलब इसको कैसे explain करेंगे? तो magnetic field जो है आपका B, क्या है ये? देखा जाए क्या है magnetic field? जब कोई चार्ज जिसकी वैल्यू कितनी है 1 कूलम है, जो कि मूव करता है विद अ वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड इन अ डायरेक्शन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग बी एंड बी, क्लियर, तो ये क्या बन जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट बन जाएगा, क्लियर, और ये नोट डाउन करेंगे इस चीज को भी कि हमने क्या बोला कि मैग्नेटिक जो फील्ड है इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड, क्या है, इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट चार्ज मूविंग विद वेलोसिटी दैट इज यूनिट इन आर डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वी एंड बी, क्लियर, नोट डाउन करेंगे इसको बराबर से। बात आती है कि केसेस की अगर थीटा 90 डिग्री है तो उस केस में हमारा मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर थीटा 90 डिग्री है तो
अगर थीटा 0 डिग्री है तो फोर्स हमारा 0 आएगा, जो कि हमारा कैसा है बहुत कम है। और जब हमने वेलोसिटी 0 ले ली, यानी चार्ज पार्टिकल जब चल ही नहीं रहा तो करंट नहीं होगा, जहां करंट नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, जहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो डेफिनेटली फोर्स एक्सपीरियंस 0 होगा। ठीक है, अब बात आती है इस चीज की, अगर हम इसकी बात करें, अगर थीटा 90 डिग्री है तो डायरेक्शन ऑफ एफ, इसकी एफ की डायरेक्शन दी जाएगी किससे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, किसे दी जाएगी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, कौन सा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, दिस वन। कैसे याद रखेंगे, फादर सबसे ऊपर होता है आपके घर में, सारा सबका पालन पोषण कौन करता है, फादर करता है। उसके बाद सारी जिम्मेवारी किसकी जाती है, किसकी जाती है सारी जिम्मेवारी, गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय किसके हाथ में होता है, मम्मा के हाथ में होता है, तो दैट इज मदर, फादर मदर। और उसके बाद नंबर किसका आता है लास्ट में, आपका नंबर आता है CC फॉर करंट। करंट कहां से कहां जाता है, ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव ओनली। तो आपको याद रखना है, दिस इज फादर, दिस इज मदर एंड दिस इज चिल्ड्रन, कहां से पॉजिटिव टू नेगेटिव, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्लियर, तो आपको ऐसे स्ट्रेच करना है साथ को, आप देखिए यहां पर क्या है, फादर है, मदर के बिल्कुल क्या है 90 डिग्री है। मदर जो है बच्चों के कितनी है 90 डिग्री है, फादर जो है चिल्ड्रंस के कितने डिग्री है 90 डिग्री है। तो आपको स्ट्रेच इस ढंग से करना है कि आपके तीनों चीजें म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नोट डाउन करेंगे इसको भी। बात आती है मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट की, जिसको हमने टेस्ला, वैसे मजाक में हम इसको क्या बोल देते हैं, टेस्ला भी बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बोलना क्योंकि वी आर अ फिजिक्स स्टूडेंट, हम इसको टेस्ला ही बोलना है। और ध्यान दीजिएगा, जब भी आप MRI करवाने जाते हैं किसी को ब्रेन में चोट लगती है तो आप न्यूरोसर्जन के पास जाते हो, तो बाहर बड़े बड़ा लिखा होता है कि यहाँ पर MRI है, इतने टेस्ला की, 1.5 टेस्ला की है, 1 टेस्ला की है। तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही मैग्नेटिक रेजोनेंस ज़्यादा होगा, और उससे इमेज आपकी क्लियर आएगी कि कहाँ पर चोट लगी है, कहाँ पर प्रॉब्लम है। ठीक है, तो जितने ज़्यादा हायर टेस्ला होगा तो उतना ही ज़्यादा कॉस्ट भी होगी उस मशीन की भी और उसकी MRI करवाने की। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, B is equal to F divided by QV sin theta, F की वैल्यू मैंने 1 ले ली, Q की वैल्यू 1 ले ली, sin 90 डिग्री ले लिया, तो यहाँ पर हमारे पास B is equal to कितना आ जाएगा, 1 टेस्ला आ जाएगा। तो B मैग्नेटिक फील्ड है, यू नो वेरी वेल, ये 1 टेस्ला कब होगी, जब कोई चार्ज जिसकी वैल्यू क्या है 1 कूलाम है, विच इज मूविंग विद अ वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड विल एक्सपीरियंस अ फोर्स 1 न्यूटन। नोट डाउन करेंगे इस चीज को जो मैं बोल रहा हूँ, आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है कि मैग्नेटिक फील्ड इज सेट टू बी 1 टेस्ला इफ अ पॉजिटिव चार्ज बेसिकली हैविंग यूनिट वैल्यू दैट इज 1 कूलम मूविंग विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स 1 न्यूटन। तो नोट डाउन करेंगे, ये आपका है 1 टेस्ला को मैंने यहाँ पर इसकी डायमेंशन लिखी, सॉरी यूनिट लिखी न्यूटन, और ये आपका 1 कूलाम है, कूलाम को मैंने एम्पियर की टर्म में लिया, तो हमारे पास इसकी यूनिट ये आ जाएगी। यहाँ से आप इसका डायमेंशन फार्मूला भी लिख सकते हैं। और वन गोज किसके बराबर होता है 10^-4 टेस्ला। ठीक है, तो नोट डाउन करेंगे इसको। टिल देन बाय, थैंक यू।